हेलो जी, सारे प्यार भरे सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जी सर्व अकाल म्यूजिक सोसाइटी ऑफ कैलगरी वालों तुहाडी सारिआं दी सेवा दे विच अज दा प्रोग्राम लैके असीं हाजिर हाँ, जिहदे विच अज दे बड़े प्यारे आर्टिस्ट साडे नाल रूबरू हो रहे हन, जिहदे विच अज दी गलबात रहेगी कथक डांस ते। इस दे नाल ही सानू बाद परफॉर्मेंस देखण दा मौका भी मिलेगा। तो बड़ी खुशकिस्मती है कि अज दे इस समय दे विच टाइम दे विच अज दी इंडिया दी शाम है, साडी मॉर्निंग है, और बड़ा प्यारा मौसम, जिस मौसम दे विच प्यारी प्यारी ठंड -16 ते इंडिया दे विच आई थिंक प्लस होएगा, ते साडे स्नोफॉल हो रही है बाहर, बहुत अच्छा मौसम है जी। ऐसा ऐसा जो ये मौसम है -24-25 तक जाएगा अज, तो हुण भी -24 दे नाल 24 है, तो बहुत ही अच्छा है कि इस ठंडे मौसम दे विच तुहानू सारिआं नू बहुत प्यारा प्रोग्राम सुनन नू मिल रहा है, देखन नू मिल रहा है। तो आपां सारे बड़े खुशकिस्मत आ कि अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हर रोज इस प्रोग्राम का हिस्सा हुंदे ने। आपां हुण चलदे हां जी, साडे नाल आई थिंक मलि साहब भी जुड़ चुके ने, ते अज दे साडे होस्ट बीबा असावरी सिंह, जो अज दे साडे आर्टिस्ट हन, असावरी पवार जी, ते सारे अज आर्टिस्ट साडे गैसट जुड़ चुके ने। ते जिस तरह ही तुसीं सारे दो चार सज्जन होर जुड़दे हो, तां आपां प्रोग्राम नूं शुरू करदे हां, तां कि पूरे टाइम ते आपां इस प्रोग्राम दे विच गलबात भी कर सकीए, अते अज दे जो आर्टिस्ट हन उन्हां दे बारे जो गलबात तों बाद प्रोग्राम है ओह वी सुण सकीए। सब तों पहलां धन्नवाद है बीबा सावरी सिंह जी दा, जिन्हां ने क्योंकि हुण जिहड़ी स्टडी है कॉलेज यूनिवर्सिटी ओह वी शुरू हो चुके हन, ते इस समें दे विचों उन्हां टाइम कढ के ते साडे नाल जुड़े हन, ते नाल दी नाल साडे जो आर्टिस्ट हन उन्हां दा वी बहुत बहुत धन्नवाद है कि उन्हां ने टाइम कढ़िया, जुड़े ने साडे नाल। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, सर्व अकाल म्यूजिक सोसाइटी ऑफ कैलगरी की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, आपने टाइम निकाला और इस प्रोग्राम का हिस्सा बन रहे हैं। तो चलते हैं सबसे पहले असावरी सिंह जी, जो इस प्रोग्राम को आज होस्ट कर रही हैं, तो उनके पास चलते हैं और बातचीत का सिलसिला है जो शुरू करते हैं। और इसके साथ ही हम थैंक्स करना चाहेंगे हमारे मैडम रजनी राव जी, जिन्होंने आज के जो हमारे आर्टिस्ट हैं उनके बारे में हमारे तक हमें बताया उनके बारे में। और बड़ी खुशी की बात ये है कि जब एक आर्टिस्ट दूसरे आर्टिस्ट को आगे लाने में कोशिश करता है, तो ये अच्छा ये लगता है कि उनकी बहुत अच्छी सोच है, उनका बहुत अच्छा दिल है कि हम लोग ये मिलजुल कर कोशिश करें। जब हम लोग मिलजुल के इकट्ठे होके चलेंगे तो हमारा जो रास्ता है साफ होगा। लो जी, बीबा असावरी सिंह जी आओ ते अज दा प्रोग्राम संभालो। सर्व अकाल लाइव प्रोग्राम ते तुहाडा बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्नवाद बीबा असावरी सिंह जी। सभी को सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। मैं असावरी सिंह आज की ऑनलाइन प्रस्तुति में हमारे दर्शकों का, हमारे कला प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सर्व अकाल म्यूजिक सोसाइटी कैलगरी की ओर से आज एक और अवसर प्राप्त हुआ है, जिसमें हम नृत्य के एक कलाकार को लेकर आप सबके सामने हाजिर हैं। जैसा कि हमारी यही कोशिश रहती है कि हम विभिन्न कलाकारों को आप तक रूबरू करवाएं, आपसे मिलवाएं और उनकी कला और जीवन दर्शन के बारे में हमें ज्ञान मिले, इस विरासत के बारे में अधिक से अधिक ज्ञान मिले और हम इससे और परिचित होते रहें। जैसा कि पिछले महीने 22-29 नवंबर तक सर्व अकाल द्वारा इंटरनेशनल क्लासिकल डांस फेस्टिवल आयोजित किया गया था, जिसमें हमने भारत की एक नहीं बल्कि अनेक नृत्य शैलियों की परफॉर्मेंसेस का आनंद लिया। और आज कथक नृत्य शैली की एक नृत्यांगना को लेकर हम प्रस्तुत हुए हैं। वह एक विख्यात कलाकार हैं
जिनका नाम है सुश्री आसावरी पवार जी। और इनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करने से पहले मैं इनकी इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस को देना चाहूंगी। आसावरी पवार हैज इनहेरिटेड लव फॉर कथक फ्रॉम हर इलस्ट्रियस फादर पद्मश्री गुरु प्रताप पवार जी, हु इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोनेंट्स ऑफ लखनऊ घराना ऑफ कथक। She started learning Kathak at the age of 8 as a part of her father's dance troupe Triveni in London. She pursued her studies in UK and continued her practice in dance under the guidance of her father. She returned to India and underwent 3 years of rigorous training with Pandit Vijay Shankarji. She also took training in classical vocal music under Srimati Girija Devi ji. Apart from Kathak, she has also been trained in English ballet, African folk, Haitian ballerina. She also has been an active pupil of late Guru Kelu Charan Mahapatra and Sri Satyadev Dubey in Kolkata. She taught Kathak at a school of music in UK and Brent Music Service London. She has founded Kalashish, a society of performing arts and dance in India. And she has performed on many stages in India as well as abroad. She is also the cultural correspondent and dance critic for the Statesman newspaper, Delhi. She has anchored Chitrahar and interviewed celebrities for the afternoon live show on television. She has also written dance drama scripts on social and cultural issues. She has performed on many stages and has received Women of Excellence Kiran Achievement Award in 2009 and the Major Award named after British PM John Major, along with several grants. She is presently teaching in Delhi Public School, R.K. Puram. Her scintillating performances with communicative facial expressions and vibrant footwork establishes instant rapport with the spectators. आसावरी जी, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत आपका सरब अकाल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और मैं आपसे बातचीत शुरू करते हुए सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि आप एक प्रतिष्ठित कला परिवार से संबंध रखती हैं। बचपन से ही आपने अपने आसपास एक कलामयी वातावरण देखा, नृत्यमयी परिवार से आपका संबंध है, तो किस तरह आपकी तालीम नृत्य में शुरू हुई, ये वो सब आपकी जो बचपन की स्मृतियां हैं वो हमसे आप साझा करें। वाह, आप आसावरी जी सिर्फ हमारी हमनाम नहीं है, आप तो बहुत ही कमाल है। क्या मतलब पोएटिक वे में आप इतनी शुद्ध हिंदी बोल रही हैं। वेरी क्रेडिटेबल। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर आंसरिंग योर क्वेश्चन, आई वुड लाइक टू थैंक सरबाकाल म्यूजिक सोसाइटी ऑफ कैलगरी, गोविंदर सिंह जी, गुरविंदर सिंह जी द कोऑर्डिनेटर, आप आसावरी सिंह जी द होस्ट, हरजोत सिंह जी, हरजीत सिंह जी द प्रेसिडेंट, एंड भूपिंदर माली जी द चीफ पैट्रन, एंड एवरीवन एल्स इन्वॉल्व्ड इन योर ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन, एंड डेफिनेटली रजनी राव जी फॉर सजेस्टिंग माई नेम। कल ही फोन आया और मैंने कहा अरे कल, अच्छा बोला हाँ कल ही करना है। तो मतलब इट इज सो नाइस दैट एज यू सेड अनदर आर्टिस्ट कैन सपोर्ट अनदर आर्टिस्ट। I mean, we've just been friends for the last, I think, 3-4 months. And she has done so much. I'm also trying to do as wherever I perform, I do. I'm also helping her and others. And we are all one family now. I think that is what COVID has taught us, that we are all one. Kutumb, pura Vasudev Kutumb. Ha. So, thank you. And main paida hui thi 19 February, bahut saal pehle. और बोथ माई पेरेंट्स आर डांसर्स, एंड आई थिंक इन द वूम ओनली आई लर्न अ लॉट नेचुरली, एंड विच इज़ गुड, बट देन यू हैव टू कल्टिवेट। सो देन आई वॉज लकी इनफ कि उस समय में भी मेरे पिताजी चाहते तो नहीं थे, पर फिर भी कुछ ऐसा हुआ
कि रामायण की सीता गुम गई, सीता चाहिए थी, मैं क्लास तो जाती थी, सीखती थी, तो सडनली आई ऑल्सो रियलाइज दैट आई वॉन्ट टू डांस, आई एम गुड एट इट. दो रिहर्सल में, चार रिहर्सल में कौन कर देता है पूरा ड्रामा, तो इट इज समथिंग दैट आई एम बोर्न फॉर. सो आई सेड वॉट एवर इट इज आई वॉन्ट टू डू दिस. सो देन आई कैरीड ऑन एंड ऑफकोर्स आई लर्न फ्रॉम माई फादर एंड आफ्टर माई मैरिज आई लर्न फ्रॉम पंडित विजय शंकर जी एंड श्रीमती गिरजा देवी जी. ट्रेनिंग वॉज इन, उससे भी पहले आई स्टार्टेड लर्निंग डांस फ्रॉम रेवा विद्यार्थी जी एज अ चाइल्ड. ऐसे ही जाते थे भारती कला केंद्र में एंड बिकॉज आई थिंक एवरी वन न्यू माई पेरेंट्स दे वर इन द फील्ड सो आई हैड अ वेरी गुड टाइम विद द आर्टिस्ट. मैनी पीपल से विद ऑर्गेनाइजर्स एंड आर्टिस्ट इट्स डिफिकल्ट. वो जो बेसिक डिफिकल्टीज हैं वो ठीक है कि कोई टाइम पे नहीं आई, छोटा मोटा एंड ऑल दैट. Or they, you know, take your music and use it. But that's, I mean, that's understood. I'm sure I've taken some people's also. But the thing is, that generally, बहुत इज्जत, बहुत प्यार और बहुत performances मिले और and I'm very very happy. And training with my father was tough because you know the training carried on all day, और सारे दिन कुछ ना कुछ correction होता रहता था. Expectations बहुत ज़्यादा थे. और मैंने कोशिश करी, फिर जल्दी शादी हो गई. मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरा बेटा भी है आदित्य. और हालांकि मेरे हस्बैंड, इट्स एन अरेंज मैरिज, ही इज फ्रॉम द ट्रैवल ट्रेड, बट ही ऑलवेज लेफ्ट मी अलोन टू डू व्हाट आई वांटेड. एज एंड आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू लुक आफ्टर द फैमिली, व्हाटएवर आई कैन डू. आई डोंट नो हाउ सक्सेसफुल आई हैव बीन, बट आई थिंक सो. सो ये सब है. और पदातिक में मैं जब गई शादी के बाद, तो पिताजी ने ही बोला कि पंडित विजय शंकर जी विल नाउ टीच यू. सो ही सेड चाचा बुलाना. मैंने कहा नहीं, मैं तो गुरुजी बुलाऊंगी. तो देन ही डिडंट वांट टू सी माय डांस. ही सेड नहीं नहीं क्लास में आ जाओ. तो माय फादर सेड नो नो. जैसे सब लोग एंट्री लेते हैं, दिखाओ. आई गॉट सो यू नो अपसेट. आई सेड मैं क्या दिखाऊं ऐसे, क्या बात है. तो ही सेड नहीं नहीं करो करो. So then I was treated just like everyone else. You know, you have to show whether you are, aap is layak ho ke aap class, Guruji ke class mein jaoge ya nahi. Which I was very angry about. I fought about it afterwards. But I think now I feel that it's the right thing to do, to teach your children that that's the world is not air conditioned. Dunya air conditioned nahi hai, aur heater wali nahi hai. In fact, Calgary ke liye to heater hi good. So, similarly रहेगी. तो ऐसे करके चलता गया. और जैसे मैंने कहा, मैं सीता बन गई थी एकदम से. कोई उनकी इंडो ब्रिटिश कल्चरल एक्सचेंज, वो माउंट बैटन जी और इंदिरा गांधी जी का कोई कलाबरेशन था इंडो ब्रिटिश. तो उसमें सीता लेट देम डाउन जस्ट लाइक अ वीक बिफोर. सो दे वर लुकिंग फॉर समवन. सो दे सेड नो, योर डॉटर कैन डू इट. ऐसे ना तो इंडिया से कोई बुला सकते, ना हमें एल्डरली कोई चाहिए प्रोफेशनल. तो वी वॉन्ट यंग पर्सन, सारे यंग. तो फिर वो मैंने चार रिहर्सल्स में कर लिया. आई वाज 17 एट दैट टाइम. तो तब से मैं फिर और सीरियस ले लेने लगी. पर डांस में बचपन से करती हूँ. और पदातिक में मुझे पंडित विजय शंकर के अलावा गिरजाप्पा के पास गई गाना सीखने. तो उन्होंने बहुत ही प्रेम से सिखाया, एकदम से गाना ही शुरू कर दिया. तो उसमें भी सब लोगों ने कहा, इनको तो आप सारे गामा के बजाय तो आप गाने ही शुरू कर दिया. जैसे कहनवा मानो ओ राधा रानी, ये सबसे पहले गाना सुना. फिर बर जोर की रे कन्हाए हार, बर जोर की रे कन्हाए पनिया भरत मोरी, गगर गिराए करके लड़ाई, बर जोर की रे. इस टाइप का. तो सब ने बोला कि गाना कैसे शुरू कर दिया. बोले अरे ये परफॉर्मर है, शी इज ऑलरेडी डूइंग समथिंग और द अदर इन द फील्ड. कितनी मतलब इंटेलिजेंस है, भाग जाएगी, एक एक ही तान लगाते रहोगे. तो मना, यू नो एवरीबॉडी लाइक यू नो अपाजी इज वेरी यू नो इंटेलिजेंट, हाउ टू ट्रीट डिफरेंट पीपल. तो बिकॉज शी अंडरस्टूड कि मुझे स्टेज पे डांस के बीच में अपने दो लाइन गाने, जैसे मैं कोई गजल कर रही हूँ तो मैं गाना चाहूंगी, कभी बन सवर ये जो आ गए तो बहार हुस्न दिखा गए, मेरे को दाग लगा गए, मेरे दिल को दाग लगा गए.
वो नया शगुफा खिला गए कभी बन ये जो आ गए। फिर मैंने शुरू किया डांस, तो दैट इज व्हाट आई वांटेड द सिंगिंग फॉर, नॉट कि मैं तान लगाऊं ये, सो शी अंडरस्टूड दैट। तो ये बड़े गुरु लोगों की, कुछ लोगों की बहुत टाइटनेस है, कुछ लोग बहुत ओपन माइंडेड हैं, तो ये मेरा ट्रेनिंग रहा। फिर जैसे आपने बोला सत्यदेव जी के वर्कशॉप्स करे, और ट्रेनिंग एज सच क्लास नहीं ज्वाइन करी। केरुचन महापात्रा जी ऑलवेज सेड मैं तुम्हें राधा बनाऊंगा, मैंने कहा सब लोग मेरे को मार डालेंगे, आई डोंट इवन लर्न ओडिसी, ठीक है मेरी मदर करती है पर यू नो एक्सपोजर ठीक है, लेकिन इसे नहीं नहीं बस शक्ल अच्छी होनी चाहिए। मैंने कहा वाह ऐसा थोड़ी होता है, पोज भी तो अच्छा होना चाहिए। तो फिर लकीली मैं कहीं इंग्लैंड ही जाना था मुझे, मैं वहाँ की भी आई हैव राइट्स इन इंग्लैंड ऑल्सो एंड इंडिया ऑल्सो, मैं तो इंडियन हूँ ही, बॉर्न इंडियन, तो वहाँ जाना था, तो मैं आई गॉट आउट, इसलिए मैं जिंदा हूँ शायद, नहीं तो सारे ओडिसी वाले उनके सीनियर स्टूडेंट्स मेरी कुटाई कर देते। तो ये है बस, और ऐसे ही कुछ ना कुछ होता गया, अवार्ड्स आते गए, ग्रांट्स मिलते गए, बस आई जस्ट वांट टू डांस डांस एंड डांस, जो हो रहा है बहुत अच्छा है। क्या बात है, बहुत खूब। असावरी जी थोड़ा आगे जाने से पहले कुछ जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका भी थोड़ा सा जिक्र करते चलें, तो उनको भी लगेगा भी हमें भी कोई पूछ रहा है, तो हमें भी लगेगा कि हमारे साथ हमारे साथ कोई है। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी, आई होप एवरीबॉडी हैज कम, आर देयर सम पीपल जी। थैंक यू मैडम रजनी राव जी भी जुड़े हो हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत ही प्यारे आर्टिस्ट हमें दिए आज, डबल डबल काम हो रहा है, डांस तो देखना ही है तो साथ में सिंगिंग भी सुनने को मिल रही है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है जी। डॉक्टर अलंकार सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आप जी का, तुसी जुड़े हो आशीर्वाद दे रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद आप जी का। तो ये नाल ही मैडम डॉक्टर नवेता सिंह जी भी जुड़े हुए हैं, उन्होंने आशीर्वाद मिल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब भाई जोधवीर सिंह जी आप जी का, तुसी जुड़े हो इस प्रोग्राम के नाल अपना आशीर्वाद दे रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब भाई जोधवीर सिंह जी, बड़े प्यारे गुरु के कीर्तनी हैं और बहुत ही बख्शिश है उन्होंने, और क्लासीकल कीर्तनी हैं, सिखे हुए कीर्तनी हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद तुहाडा साडे नाल जुड़न वास्ते, बहुत बहुत शुक्रिया जी। दर्शप्रीत कौर जी बहुत बहुत धन्यवाद आप जी का, तुसी जुड़े हो, भुपिंदर जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ते इसके साथ बलजीत कौर जी अजमेर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आप जी का, तुसी जुड़े हो साढ़े नाल ते टाइम कढ़े, राजेंद्र रैना जी बहुत बहुत शुक्रिया, भैन जी साढ़े महेंद्र पाल मठारू जी यूके तो जुड़े हुए हैं साढ़े नाल, बहुत बहुत धन्यवाद। सिंपी अरोड़ा जी थैंक यू, नरेंद्र कौर भैन जी बहुत बहुत धन्यवाद आप जी का, तुसी जुड़े हो साढ़े नाल अपना आशीर्वाद दे रहे हो। मानसी सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया, मानसी बड़ी प्यारी, ये भी कभी कभी टाइम मिलता है इसको, तो सर्वकाल के कई प्रोग्राम होस्ट करती है, मेरठ से है मानसी, बहुत ही प्यारी बच्ची है, बड़ी कृपा इसके ऊपर भी, संगीत के साथ जुड़ी है और डांस के साथ जुड़ी हुई है, तो मानसी जी आपको आज बहुत प्यारा प्रोग्राम सुनने को मिलेगा, तो वो डांस भी सीख रही है, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर गावित जी बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े हो आशीर्वाद दे रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित शैलेंद्र कुमार जी पाठक साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कमलेश उपल जी, मैडम जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप जी का आशीर्वाद साढ़े सारे वास्ते बहुत जरूरी है, बहुत बहुत धन्यवाद आप जी का। डॉक्टर कमलेश उपल जी असावरी के नानी जी हैं, अपनी दोती का प्रोग्राम देख रही है, बड़ी खुशी की गल है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब भाई राजविंदर सिंह जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब जी आप जी का। तो ये नाल ही होर भी जिन्हें भी सज्जन कुछ सज्जन ने इस प्रोग्राम कई अलग जो ग्रुपा च देख रहे हैं उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अमन सोढ़ी जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद थोड़ा सारे का इस करके कि तुम इस समय ते काफी बिजी टाइम दे विचो टाइम कढ़ के इस प्रोग्राम नाल जुड़े हो, अपना आशीर्वाद दे रहे हो। साढ़े अज एक असावरी नहीं, साढ़े को अज दो असावरियां हन, ते हुण एक दास दे पक्ष तों असावरी है, एक होस्ट कारी असावरी, तीजा राग असावरी हैगा, हुण ये देखो भी किधर नूं चलदी है गड्डी। ते बहुत बहुत धन्यवाद, ते मल्ली साहब भी साढ़े नाल जुड़े हुए ने, इहदे नाल एक चीज होर मैं कहांगा कि जो भी आप जुड़ते हैं प्रोग्राम दे विच आपां नूं सारिआं नूं कुछ ना कुछ हर कोई भी जो भी आर्टिस्ट आउंदा है कि जो बेशक वो डांस दे आर्टिस्ट होण
या वोकल दे हुन, हर आर्टिस्ट की अपनी अपनी जर्नी है, उदे विच बहुत कुछ उन लोगों ने, किसी ने स्ट्रगल किया है, किसी ने स्ट्रगल नहीं किया, उनको कुछ फैमिली ऐसी होती है जिनको फाइनेंशियली सपोर्ट होती है बच्चों को, तो उनको ये मौका बहुत अच्छी तरह मिल जाता है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको बहुत स्ट्रगल करके, कई बार ऐसे भी बच्चे हमारे पास प्रोग्राम में आते हैं जो जिन्होंने ये बताया कि हमारे पापा जो रोड पे जो रेड़ी होती है, रेड़ी लगा के तो वो हमारी पालना की उन्होंने, और खुशी की बात फिर उन बच्चों ने अपने माता पिता का सिर ऊंचा किया, मेहनत करके आगे आए, ये सबसे बड़ी बात है। और अगर जो भी बच्चा मेहनत करके साधना करके आगे आएगा तो उससे हमारी जो संगीत है उसको और ताकत मिलेगी। हमारे साथ डॉक्टर सरबजीत सिंह जी जुड़े हैं टोरंटो से, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। राजेश कुमार जी आपका भी, आपने आशीर्वाद दिया है। तो चलो जी हुण अब हम लोग चलते हैं फिर दोबारा से असावरी जी के पास, तो असावरी जी फिर दोबारा हमें असावरी जी के पास लेके जाएंगी जी। बहुत बहुत शुक्रिया असावरी जी। थैंक यू हरजीत अंकल, बहुत खूबसूरत आपकी शुरुआत मैम। जैसे आपने कहा कि यू स्टार्टेड लर्निंग फ्रॉम द वूम ओनली, विच इज वेरी वेरी ट्रू। और आई थिंक एक कलामयी परिवार में आप किसी का भी जन्म हो उससे बड़ा आशीर्वाद भगवान की ओर से नहीं हो सकता, क्योंकि वी हैव सीन पीपल, वी ऑल सी पीपल हु रियली हैव द नैक ऑफ म्यूजिक एंड डांस, पर कहीं ना कहीं उनको वो गाइडेंस नहीं मिल पाती। और ये जो लोग जो उन्हीं परिवारों में पैदा होते हैं और उस विरासत को आगे लेकर जाते हैं, एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है और एक बहुत खूबसूरत काम होता है। ऑफकोर्स देयर आर एक्सपेक्टेशंस जो कहीं ना कहीं प्रेशराइज करती हैं, बट वो प्रेशर तभी लगता है जब आप उसको फील करोगे, अदरवाइज आई थिंक इट इज़ अ बिग बिग ब्लेसिंग। और आप इतने सुंदर तरीके से इस कला को आगे लेकर जा रही हैं। और अब मैं आगे आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपका बचपन जैसे यूके में बीता, तो वहां पर आपकी फॉर्मल एजुकेशन क्या रही, और उसके साथ साथ नृत्य की जो आपकी गतिविधियां चलती रही वो किस तरह आपका बैलेंस रहा, उसके बारे में हमें बताएं। अच्छा, पहले तो हम लोग इंग्लैंड से भी पहले मेरे फादर मदर ICCR के थ्रू गए थे गयाना, which is in South America. So I have had exposure to a lot of culture, a lot of language, a lot of food, a lot of variety in lifestyles, you know. Halanki bahut tight the, very strict my parents were, my father especially. So kafi tight, but phir bhi matlab you learn so much, you hear so much of variety of music and everything. Uske baad Trinidad 4 saal, and then England. So I went to convent school in Trinidad and Guyana, St. Rose's, St. Joseph's, then St. Margaret's in the beginning, then in England, St. Anne's Convent, and I did A-levels, and uske pehle jaise maine bataya wo Ramayan ka Sita ka episode ho gaya, I had gotten to college, but then my father thought that ab iska naam ho raha hai, isko dance karna hai, so it's time to get married. So he said, if you want to dance, when, so he could see that I will be able to dance. Nahi to aisa kisi bacche ke saath koi karta nahi hai ki chodo. And my French teacher also, I remember her. She said, for 1 year, you will take up the college and you will, you know, you will take up the seat for someone who would want, who would need the seat, and you'll get married after a year. So I said, but this is not good. Ye wo. So then I was explained that now dad said that you must go. And because he's a travel agent, you must... work for a general sales agent in France. So, वही किसी के through uncle थे SPGen, उनके यहाँ. So, I used to do ticketing and all that, and I worked there instead of going to college for that year. I worked there, and then I got married in 86. And जब मैं छोटी थी, क्योंकि dance नहीं करना, तो 14 वर्ष की उम्र में एक और हमारे वो बोले ताऊजी से सगाई भी कर दी थी मेरे पिताजी, पर वो डांस करना ही था, तो अब कुछ भी हो डांस तो हो ही रहा है, चाहे सगाई हो चाहे कुछ हो. और अब आई एम हैप्पीली मैरिड एंड गॉट अ सन. एंड हाँ, आपने पूछा हाउ, सॉरी व्हाट डिड यू आस्क, माय एजुकेशन एंड देन हाउ द कल्चर हैज इन्फ्लुएंस्ड माय वर्क, इज दैट ट्रू? या
तो अब जैसे एफ्रो है ये वो, तो आई कैन सिंग इवन कैलिप्सो, आई डोंट थिंक आई शुड सिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म, सो यू नो यू विल गेट स्केयर्ड, सो आई कैन यू सो कैलिप्सो है, एफ्रो डांसिंग है, ये वो सब ट्रेनिंग करी थी लावण्या विलियम्स जी से, और मुझे कभी इनहिबिशन नहीं हुआ बिकॉज आई टॉट चिल्ड्रन. तो अब जैसे आपके सामने कुछ करने में मुझे नहीं होगा, कोई भी डांस बोलो, कोई भी म्यूजिक बजा दो, बिकॉज आई वर्क विद चिल्ड्रन. अब चिल्ड्रन तो दे लव देयर टीचर्स, सो उससे क्या हुआ, मैंने एफ्रो इंडियन डांडिया भरतनाट्यम हर चीज मिक्सअप करके फ्यूजन करके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए स्कूल में और फिर स्टेज में, और प्रेयर फॉर पीस ले लिया तो जगजीत सिंह की लेके, एंड आई ऑलवेज हैड गुड म्यूजिशियंस, आई स्टिल डू. अनफॉर्चुनेटली कोविड का है तो वो आ नहीं पाए, फिर भी जल्दी जल्दी उन्होंने उन्होंने दो चीजें, गुरु गोविंद जी का और एक गुरु गोविंद जी का और एक द्रौपदी का रिकॉर्ड किया है हम लोग, वी वर प्रिपेयरिंग इट, एक प्रोजेक्ट हमारा. तो ये बहुत सारे प्रोजेक्ट हुए, अब नाम भी याद नहीं. फिर एलिस इन डिफरेंट लैंड्स, इंग्लिश हिंदी, फिर देन वी हैड टू राइट सॉन्ग्स कि भाई इसमें क्या, तो मेरे को जैसे जो ट्यून अच्छी लगती थी तो उसमें कर लेते थे, जैसे तू ही दिल है तू ही जा भी है, तो उसके लिए मैंने चर्च में था, यू आर द वन यू आर द ओनली वन यू हैव अ सोल बाउंड इन इटर्नल लव, इस टाइप का मैंने पूरा लिखा, यू आर पैशन पर्सोनिफाइड फॉर द लॉर्ड फॉर द गुड लॉर्ड, और ये टीचर्स डे में भी यूज कर लेते थे कि टीचर्स पे है, इस टाइप का. फिर पोएम्स पे हमने किया, वैसे पहले से ही कर रहे थे बचपन से ही, जीन्स आर्य संग्यम एंड कमला दास, बट देन दिनेश नंदिनी डालमिया वॉन्ट गिव मी 13 पोएम्स, अरुण कुकरेजा जी फिल्म मेकर थे इज लिट, एंड तो 13 मैंने पोएम्स रट ली और उसका पूरा प्रोग्राम किया, वुमन फ्रॉम वूम टू मोक्ष एंड देन शी बिकम्स विडो, पहले माँ बनती है, ये वो पूरा जैसे. और पोएम जैसे एक था, तूने मुझे हाथ पैर दिए पर मेरे आगे इतने हाथ पैरों की भीड़ कर दी कि मुझे अपने अंगों के चालन का अवकाश ही नहीं मिला. तूने मुझे धारदार आंखें दी जो दूर तक देखने में समर्थ थी, पर मेरी नजर को तूने आकर्षण के धागों से कस कर बांध दिया. इस टाइप का सप्रेशन ऑफ वुमेन की सब कुछ दिया लेकिन बहुत मतलब एक लिमिटेशन में, एक दायरे में. तो वो था, वो ये लास्ट वाली थी, व्हेन शी थैंक्स गॉड एंड सेज व्हाई शुड आई एक्चुअली थैंक यू. पहचान के अब सब मुश्किल है, तू तो अभी मैं तो तुझे किनारे छोड़कर चली जाऊंगी. लोग कहते हैं तू धन्यवाद का तलबगार है, पर मालिक मेरे तू ही बता मैं तुझे धन्यवाद क्यों दूं. एंड देन शी क्राइज एंड शी प्रेज एंड शी बेग्स फॉरगिवनेस. And so lots of things, so different dances. Abhi aap koi bhi music, I'm not showing off or anything. Koi bhi music baja do, provided I hear it. And, you know, through the loud and clear, I can dance to it. I don't have any filmy dances. Asha Bhosle ke us pe, unhone hume naam diya, Asavri. Asha Bhosle is a distant relation of ours through marriage. Bua ke, sagi bua ke husband ki family mein shaadi hui. But then she met our family and, you know, with my father, she developed a friendship. Then she wanted to name the child, and that was me. And she had this liye main is field mein bhi aayi, or I'm always, you know, getting a lot of work, which I'm very happy about, and I'm very satisfied. So ye the, aur bahut sare piece ka tha, aur English sare jo English fairy tales hai un pe kiya, uske gaane bhi likhe with the help of teachers, fir khud bhi. So you develop so much. You develop a lot, likhne ka, padhne ka, then you learn a lot. Abhi bhi hum parallel teaching karte hain, to maths ki class mein try to learn. If you know, if it's not a dance class, English, you try to be part of the. So learning never finishes. And if you use everything, ab jaise Krishna Leela kari, to humne ground mein kara tha. To ground mein kya karna? Nahi, nahi, ek hi stage. Maine kaha, nahi, stage nahi banega. Alag alag jhankiyan hongi in the ground. To jahan chota sa pool tha, ye ganda sa ye paani. Maine kaha, nahi, ganda nahi, saaf karo. इसमें हमने फाइट दिखा दी, किसकी, थोड़ा सा पानी भर के कालिया और कृष्ण की. एक और टीला सा था, ये पत्थर अगली सा, उसको यूज कर लिया, थोड़ा कवर और करके वो बैठा हुआ है कंस. तो एंड देन यू नो द ऑडियंस मूव्ड अराउंड, सो देयर सो मेनी थिंग्स, एंड दिस वाज इयर्स अगो. अभी तो ये सब होता ही है. तो एक आप अगर अपने को, एंड यू हैव टू टेक द चांस, लाइक सब बोलेंगे नहीं नहीं ये मत करो, नहीं नहीं
साउथ इंडियन ये म्यूजिक पे ये नहीं करो, कुचिपुड़ी का इतना फेमस गाना है उस पर तुम क्यों भाव कर रहे हो, उनको करने दो, दे विल क्रिटिसाइज, नोबडी क्रिटिसाइज, करते हैं तो करें। हमें अगर आप पानी में नहीं कूदोगे तो आगे नहीं बढ़ोगे, सिर्फ गुरु ने जो सिखाया वो तो करना ही है, पर उस अपना भी थोड़ा दिमाग और थोड़ा यू नो यू हैव टू लुक एट द ऑडियंस, किस ऑडियंस को क्या अच्छा लगेगा। तो बहुत सारे प्रोडक्शंस करे, अब नाम तो आप ही बता सकती हैं तो मैं कुछ कमेंट मार सकती हूँ, मुझे तो याद भी नहीं। एवरी टाइम वी आर डूइंग, अभी हाँ इस साल वी आर डूइंग विजयी भव, डेडिकेटेड टू माय लेट गुरुजी पंडित विजय शंकर जी, जिन्होंने शादी के बाद सिखाया, उनके सारे प्रोजेक्ट्स हैं, सारे डांसेस हैं, और एक वुमेन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, जैसे कि रानी ऑफ झांसी, द्रौपदी, शिवाजी की मम्मी, जिजाऊ, और ऐसे, और तो इंडो वेस्टर्न, मतलब जो भी गाना बजाना, इफेक्ट्स, लाइट के साथ कॉम्बिनेशन, पोएट्री में, और कुछ भी आप बता दीजिए, हमने करा हुआ है, और अगर नहीं करा हुआ है तो करने को अभी भी इसी इस मिनट भी तैयार है। एक बहुत ही खूबसूरत बात मैम आपने हमें बताई कि आपके पिताजी ने आपको अपना अपने अंडर सानिध्य तो जरूर दिया, तालीम जरूर दी कथक की, लेकिन उसके अलावा उन्होंने ये जरूर चाहा कि आप उनकी शैडो से बाहर जाएं और आपको गायन की तालीम दिलवाई, और उसके अलावा कथक की भी तालीम एक और गुरु से दिलवाई, ओडिसी की आपने तालीम ली, एंड as we can see that you are such a versatile personality, so you have done anchoring also, you learn kathak, you do kathak, you perform kathak, uske alawa gayan bhi aapne sikha, nritya natikaon mein bhi aapne part liya, to banaye bhi hai, nritya natikaen banaye hai bahut sare, durga abhi tak archived hai doordarshan mein, mahishasur mardini and many more, ha So how all these are helpful in you, in your dancing, and how all these things are an extension of your creativity? इसके बारे में हमें बताएं, और कितना जरूरी है एक कलाकार के लिए ना कि सिर्फ नृत्य में तालीम लेना for a dancer और इन चीजों को सीखना, इसके बारे में हमें बताएं। ये सब चीजें तो understood है कि बहुत ही add करती है कि गाना डांस में, क्योंकि जैसे एकदम से आप कुछ बजाओगे तो मुझे अंदाज आ जाता है, या जो भी थोड़ी ट्रेनिंग लेगा उसको अंदाज आ जाता है कि कब खत्म हो, तो अपने आप वो मूवमेंट्स भी बन जाएंगे, आप खत्म भी करोगे मोर ऑर लेस, थोड़े ऐसे वैसे हो सकता है, पर द ऑडियंस विल नॉट फाइंड आउट, यू नो यू कैन प्रेजेंट एनीथिंग, तबला से आप एक्सपोजर लोगे या कोई भी ड्रमिंग से, यू हैव टू हैव योर माइंड ओपन, आपको रिदम का पूरा अंदाज होगा। महाराज जी देखिए, बिरजू महाराज जी एकदम सम के पहले आ जाते हैं, ये एकदम से कोई बोल दे तबले वाले भैया कि चलो ये करिए, तो क्या आप बोलेंगे एक मिनट क्या करोगे, तो आपको करना ही है ना, यानी आप नहीं कर सकते, तो लपेट के करके करके अंदाज हो जाता है, वो बहुत जरूरी है। अब मेरे को जो आई वॉज लकी कि मुझे लिखने का इसका इंटरेस्ट भी रहा, एंकरिंग में मैंने क्या सीखा कि रटना है, तो मैं ये पोएट्री वाला कर पाई, 13 पोएम रट के सीधे जाके करना एक गो में, 45 मिनट्स का शो इज नॉट ईजी विथ नो ब्रेक, तो ये सब ट्रेनिंग ट्रेनिंग ही है हर चीज। अभी आप मेरे से बात कर रही हो, मैं सीख रही हूँ, दिस आल्सो आई विल इन्वॉल्व इन समथिंग और द अदर, इट विल अफेक्ट मी, इट विल यू नो इन माय प्रेजेंटेशंस, सो ये मतलब हर चीज से आप सीखते हो। स्कूल में बच्चों से मैं ऐसे करती हूँ, ऐसे करके सांप दिखाओ, मैम ऐसा करना चाहिए, ये क्या ऐसे एक ये क्या फन है श्रीदेवी कर रहे हो, मैं कहा नहीं नहीं हाँ हाँ ठीक है, तो तो फिर ये भी कर लो वो भी कर लो, तो यू नो यू लर्न फ्रॉम देम, बट यू हैव टू बी ऑनेस्ट इनफ टू रियलाइज कि यू लर्न। और जो इंसान सोच रहा है कि वो आगे नहीं बढ़ सकता, अगर सोचता है कि वो नहीं कुछ सीख सकता, कभी नहीं बढ़ सकता, स्टैटिक रहेगा। सही बात, क्या बात, बहुत अच्छी बातचीत का सिलसिला चल रहा है जी। तो हम चाहेंगे कि थोड़ा सा जो और भी हमारे साथ संगत जुड़ी है, क्योंकि ये अभी जो संगीतक संगत है जो क्लासिकल म्यूजिक को अपना प्यार कर रहे हैं, डांस को प्यार कर रहे हैं, तो बहुत सारे सज्जन हमारे साथ और जुड़े हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी, शुक्रिया। हमारे बहुत ही प्यारे स्टार नवाज पंडित जी, पंडित पार्था प्रीतम राव जी, राय जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका, हमेशा ही आप जुड़ते हो इस प्रोग्राम के साथ, और हमारे जितने भी आर्टिस्ट हैं, छोटे बच्चे हों बड़े हों,
सबको आप अपनी ब्लेसिंग देते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और हमारे बड़े प्यारे आर्टिस्ट हैं इलियास भाई, इलियास खान साहब, बहुत वो भी जुड़े हैं हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया इलियास भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। इलियास भाई बड़े प्यारे सारंगी नवाज आर्टिस्ट हैं और बहुत ही प्यारे आर्टिस्ट हैं, और इस वक्त बहुत अच्छा उनका नाम भी है, भगवान की बड़ी कृपा है और बड़े अच्छे से, और हम कुछ खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास भी कैलगरी आते रहते हैं। उनको पता है वहाँ ठंड ज्यादा है, तो सारंगी लेके यहाँ पे आके पूरा आनंद करते हैं सारंगी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया इलियास भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप जुड़े हमारे साथ। तो अभी सुबह याद कर रहे थे मैं और नवाब भाई आपको, तो उसके साथ ही आपके दर्शन हो गए, धन्यवाद भाई साहब। भाई इंद्रजीत सिंह जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जी। सुर संवाद पटियाला, बहुत बहुत धन्यवाद जी। जेडे भी भाई साहब है उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद, तुसी जुड़े हुए इस प्रोग्राम दे विच ते अपना टाइम कढ़िया है इस प्रोग्राम दे विच, ते उहदे वास्ते तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। भैन जी नरेंद्र कौर जी वालों लिखिया गया कि बहुत अच्छी गलबात चल रही है, सावरी जी तुहाडे वास्ते भी ब्लैसिंग हन, ते सावरी बहुत अच्छा अपना सेवा कर रही है बड़े अच्छे ढंग दे नाल। मैनू भी बहुत ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਾਵਰੀ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਅੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣਾ, ਏਦਾਂ ਕੁਸ਼ਚਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸਾਵਰੀ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੰਮ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਅਸਾਵਰੀ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਡਮ ਡਾਕਟਰ ਨਵੇਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਸਾਰੇ ਤੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੈਡਮ ਅਸਾਵਰੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਹਾਂ ਪੇ ਵੋ ਬਾਤਚੀਤ ਡਾਂਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਾਥ ਸਾਥ ਜੋ ਬੀਚ ਬੀਚ ਮੇ ਉਨਕਾ ਗਾਣਾ ਆ ਰਹਾ ਹੈ, ਤੋ ਵੋ ਵੀ ਹਮਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋਂ ਕੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪਕਾ। ਤੋ ਆਪ ਐਸੇ ਹੀ ਬੀਚ ਬੀਚ ਮੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿੰਗਿੰਗ ਕਾ ਕਰਤੇ ਰਹੀਏ, ਔਰ ਹਮਾਰੇ ਜੋ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲੇ ਹੈ ਦੇਖਣੇ ਵਾਲੇ ਹੈ ਉਨਕੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਣਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੇ ਹੀ ਸਭ ਕੋ ਮੰਤਰ ਮੁਗਧ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਲੱਗਤਾ ਹੈ। ਡਾਂਸ ਤੋਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਤੋ ਡਾਂਸ ਕੇ ਸਾਥ ਅਗਰ ਆਰਟਿਸਟ ਖੁਦ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਗਾਇਕ ਹੋ ਤੋ ਫਿਰ ਸੋਨੇ ਪੇ ਸੁਹਾਗਾ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਬ ਤੱਕ ਹਮ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੋਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਕੇ ਅੰਦਰ, ਤੋ ਵੋਕਲ ਕੇ ਭਾਵ ਕੈਸੇ ਆਏਗੇ। ਤੋ ਐਸੇ ਹੀ ਅਗਰ ਉਨਕੇ ਪਾਸ ਡਾਂਸ ਤੋਂ ਹੈ, ਡਾਂਸ ਕੇ ਸਾਥ ਉਨਕੇ ਪਾਸ ਗਾਣਾ ਹੈ, ਗਾਣੇ ਕੇ ਸਾਥ ਉਨਕੋ ਰਿਦਮ ਕੀ ਔਰ ਸਭ ਚੀਜ਼ੋਂ ਕੀ ਜਿਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਹੋਗੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਆਪ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਸਟੇਜ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਸਟੇਜ ਪੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਜੋ ਚੀਜ਼ੇ ਚਾਹੀਏ ਉਸਕੇ ਅੰਦਰ ਹਮੇ ਹਾਵ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਵ ਦਿਖਾਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡਾਂਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਛ ਆਰਟਿਸਟ ਇੱਕ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਲਤਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਬ ਬਿਰਜੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਆਤੇ ਹੈ ਤੋ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮੇ ਪਤਾ ਚਲ ਜਾਤਾ ਕਿ ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਟੇਜ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਤੇ ਹੈ। ਤੋ ਬਸ ਯਹੀ ਹੈ ਆਰਟਿਸਟ ਮੇ ਸਬਸੇ ਬੜਾ ਜਲਵਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਨਕੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਤੋ ਫਿਰ ਉਹ ਆਰਟ ਵੀ ਆਗੇ ਜਾਏਗਾ, ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਸਿੱਖਣੇ ਕਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਨ ਬਾਤੋਂ ਕੁਛ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦੇਤੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਐਸੇ ਕੀਆ ਕਰੋ ਕਿ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਤੋ ਬਾਤੋਂ ਕਾ ਕਿਆ, ਤੋ ਹਮ ਲੋਕ ਕਹਿਤੇ ਹੈ ਮੇਰੀ ਔਰ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਅਕਸਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਾਤ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਬਾਤਚੀਤ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਟਿਸਟ ਕੇ ਲੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਨੇ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਮੇ ਲੋਕੋਂ ਕੋ ਪਤਾ ਚਲ ਸਕੇ ਕਿ ਆਰਟਿਸਟ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਹਾਂ ਸੇ ਹੈ, ਕਿਆ ਕਿਆ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਆਈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ। ਤੋ ਚਲੋ ਜੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੇ ਚਲਤੇ ਹੈ ਅਸਾਵਰੀ ਜੀ ਕੇ ਪਾਸ, ਤੋ ਅਸਾਵਰੀ ਜੀ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਅਸਾਵਰੀ ਜੀ ਕੇ ਪਾਸ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਅਸਾਵਰੀ ਜੀ। मैम मूविंग ऑन टू कला शीश अकेडमी, उसके बारे में बताएं, व्हेन इट स्टार्टेड, हाउ इट स्टार्टेड, और क्या क्या उसकी गतिविधियां रही हैं और हो रही हैं, इसके बारे में हमें जानकारी दें जी। एक तो इतने सारे नाम लिए इलियास भाई का मैं और सबका ही बहुत शुक्रिया कि आप लोग देख रहे हैं, सब गुणीजन हैं और बहुत आनंद आ रहा है। थैंक यू हरजीत जी, भूपेन जी एंड माय हम नाम सावरी जी। हाँ,
तो आपने क्या पूछा? मैं एज इट इज आई गेट कैरिड अवे, यू नो, सो फिर से पूछना पड़ेगा आपको. कला शीश अकेडमी के बारे में. कला आशीष इज फंडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर. आशीष मेरे हस्बैंड का नाम है, तो मुझे लगा कि क्योंकि वो इस फील्ड से भी नहीं है तो उनका मुझे वो करना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए नाम पब्लिकली. आई शुड यू नो डू समथिंग. एंड द नाम ऑल्सो, द नेम मीन्स कला आशीष, कला का आशीर्वाद. तो बहुत सुंदर नाम है कि कला आशीष है, आशीर्वाद है. तो मुझे लगा बहुत स्वीट है. तो वो इत्तेफाक से मिनिस्ट्री से हमें फंडिंग भी मिल गई. एक थी संगीत नाटक एकेडमी में तरलोचन भाटिया मैम, उन्होंने भरवा दिया. मैंने कहा क्या कर रहे हो मैम. फिर बहुत साल बाद एकदम से लेटर आया कि हम चेक करने आ रहे हैं आपका कंपनी. मैंने कहा मेरा तो कोई कंपनी नहीं है. बोला अरे अरे आपको मिल गया था ग्रांट. तो मैंने कहा फोन तो करते. तो मैंने कहा ठीक है भैया है कंपनी, चलो आ जाओ. तो जो आई वॉज डूइंग वर्क विद द ग्रुप एनी वे, तो उन्हीं को हमने फिर ले लिया. तो ज्यादा थे, 4+1 था. फिर अब 3-4 साल ही हुए हैं 2015 अक्टूबर से. एंड नाउ वी हैव 10 मेंबर्स एंड मी. एंड एक्चुअली वी हैव 13, बट 10 मेंबर्स का उन्होंने सैंक्शन किया. तो हम लोग बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करते हैं. कोई भी टॉपिक आप बोल दोगे कि हमें नेक्स्ट वीक करना है, क्योंकि हम रेगुलरली मिलते हैं, तो हम कर देंगे. चाहे आप बोलो संडे मंथ, कुछ भी बोलो, तो आई विल डू इट. आप कोई कोई थीम दो, कुछ दो. तो बिकॉज आई मीट देम रेगुलरली, द म्यूजिशियंस ऑल्सो एंड द डांसर्स ऑल्सो. और टीवी पे इधर उधर मेरे को सोलो भी मिलता है, तो भी मैं साथ में. अब कोविड नहीं होता तो सारे यहाँ होते साथ में, हम कहीं और हॉल में करते. तो सबको लेके चलती हूँ. पूरी कोशिश रहती है कि यंग लोगों को और भी मौका मिले और सीखने को भी मिले. तो उसमें मेरे पास 10 लोग तो हैं ही, और 3 एक्स्ट्रा भी हैं, ताकि जस्ट इन केस इफ समथिंग. और ये टीवी पे हम शोज इधर उधर हर जगह, ICCR के थ्रू, वहाँ सार्क फेस्टिवल, आई रिप्रेजेंटेड इंडिया सार्क कल्चरल फेस्टिवल में भी. अभी दिसंबर में गए थे, बिफोर द कोविड, द दिसंबर बिफोर द कोविड, नॉट अभी. तो यहाँ तो ये सब चलता है. एंड आई लर्न अ लॉट फ्रॉम देम ऑल्सो. और बहुत मतलब बड़ा मिजाज रहता है. बच्चे हैं, ट्रेन डांसर्स हैं, बच्चे स्कूल में ट्रेन डांसर्स इधर, और स्टूडेंट्स भी हैं. कला आशीष मैंने क्लास भी खोली है, जिनको मैं प्रयाग संगीत समिति के एग्जाम्स करवाती हूँ, जो कि बहुत रिकग्नाइज्ड हैं. तो थियोरी तो मोर ऑर लेस अपने आप ही करते हैं. 6th ईयर का मैं ज़्यादा पढ़ा देती हूँ, बिकॉज दैट इज टफ. तो थियोरी का मैं गाइड कर देती हूँ, बाकी प्रैक्टिकल अच्छा जाता है. और ये भी है, तो दिस इज एंड वी जस्ट परफॉर्मिंग. अब्रॉड भी गए हर जगह, वेर एवर हुएवर कैन बी अफोर्डेड, यू नो, देन वी डू गो. ICCR के थ्रू या प्राइवेट के थ्रू, या बस यही है, मतलब शाखाएं हैं. और कुछ साल बाद DPS से अगर रिटायर करूंगी जब भी, तो तब ये रहेगा, आई होप, एंड सब ठीक रहेगा. और गाने जैसे महाराज गा के भाव करते हैं, ये है वो है, म्यूजिक कंडक्ट कर देते हैं, शो तो उन्हीं के नाम का होता है. तो मैं भी यही उम्मीद करती हूँ कि मैं भी जब तक जिंदा हूँ करती रहूंगी कुछ ना. क्या बात, बहुत खूबसूरत मैम. आई थिंक लर्निंग द आर्ट फॉर्म एंड देन सर्विंग द आर्ट फॉर्म इज ऑल्सो अ वेरी वेरी गुड थिंग, जो हर कलाकार को करना चाहिए. और इसी तरह हमारी जो आर्ट फॉर्म है, भारतीय नृत्य शैलियां हैं, ये आगे जाएंगी, आगे बढ़ेंगी. एंड मूविंग ऑन टू नृत्य नाटिकाएं की अगर हम बात करें, तो आपने उनकी स्क्रिप्टिंग भी की है, उनकी कोरियोग्राफीज भी की है, उसको परफॉर्म भी किया है. तो क्या क्या आपकी मेजर कोरियोग्राफीज रही हैं, और किस तरह ये नृत्य नाटिकाएं प्योर कथक से डिफरेंट होती हैं, इसके बारे में हमें बताएं. एक तो वो दुर्गा करा था, जो कि आर्काइव्ड है, वो उसमें मेरे फादर का पूरा योगदान था. दैट वाज वन बिग प्रोजेक्ट आई डिड इन 2005. उसमें लड़कों को हम लोगों ने खूब मतलब वो किया था इन द डांस, क्योंकि महिषासुर दरबार का डांस था. और पंडित विश्व प्रकाश जी, जो कि बॉम्बे के भी हैं और लंदन में रहते हैं, उन्होंने क्या म्यूजिक बनाया था. तो वो और प्रॉपर फाइट, और उसके पहले ये सब जंप वंप, वो पूरा जो करा था, और वो डायलॉग, और वो पूरा वो टाइप का पूरा बहुत सीखने को मिला. और बहुत ऐसा लगा कि जैसे रियल हो रहा है. विश आई कुड सेंड यू, आई विल सेंड यू. तो रियलिस्टिक, बहुत रियलिस्टिक, और बहुत मजा आया. तो दिव्य दृश्य मेरे पिताजी ने करा. मैंने तो प्रेयर फॉर पीस जैसे मैंने करा, गुलजार की,
जगदीत सिंह के गाने, गुलजार की लिखी हुई चीजें, महात्मा गांधी जी की चीजें वो लेके करा, तो कितने गाने, कितने और सिंगर्स वगैरह भी अच्छे थे, उसमें मेरे को सीखने को भी मिला और ऑडियंस को भी रिलेटेड चीज। होली ले लो, दिवाली ले लो, दिवाली, हर दिवाली हमारे 4 डांसेस दिखाए जाते हैं दूरदर्शन पे। तो अभी तक 2012 में हमने शूट किया था, तो अभी भी कल कोई अमेरिका वाले ने कहा वही वीडियो भेज दीजिए, मैंने कहा ठीक है भेज देते। तो मतलब अब और इतने सारे हैं डिफरेंट। हाँ, इंग्लिश वाले बहुत मैंने लिखे स्क्रिप्ट्स वगैरह और गाने भी। तो उसमें क्या है कि वॉट एवर आई हैड इन ट्रेनिंग इन द इंडियन थिंग आई यूज इन द इंग्लिश थिंग, एंड द इंग्लिश थिंग आई यूज द, यू नो, आई यूज टू अंडरस्टैंड कि लोगों का मतलब इतना ज्यादा अटेंशन स्पैन जीतने के लिए यू हैव टू कीप डूइंग समथिंग। जैसे वो चैनल चेंज करते हैं ना, तो वैसे कुछ 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 हरकत बीच में होनी चाहिए। जैसे आवाज बदल दी, साउथ इंडियन बना दिया एक कैरेक्टर को, नहीं तो एक को हकला बना दिया, तो उसका वॉइस ओवर भी मैं देती थी शेर का, इसका उसका आवाज बदल के पीछे, तो क्योंकि बच्चे मतलब एकदम से माइक वाइक ये वो तब, तो इस टाइप से तो हर चीज का एक्सपेरिमेंट हर चीज में हुआ। यू अंडरस्टैंड? अब नाम तो इतने याद नहीं, मैं लिखा हुआ है शायद आपके पास, आई डोंट नो, बहुत सारे करे अनगिनत और अभी भी कर रही हूँ। और बस मतलब बस ऐसे ही जिंदगी गुजर जाए, मजा आ जाए। क्या बात है मैम, आपके काम में इतनी वर्सेटैलिटी है, आपकी पर्सनालिटी में इतनी वर्सेटैलिटी है, और मुझे लगता है आप इतने सारे रोल अदा करती हैं, यू आप नौकरी करती हैं, कला आशीष जैसी आपकी जो एकेडमी है, यू आर अ गुरु देयर, अ टीचर देयर, उसके अलावा प्रोफेशनली आप परफॉर्म करती हैं। सो मेरा अगला सवाल ये है कि इतना सब कुछ आप करती हैं, हाउ डू यू बैलेंस ऑल दिस, हाउ डू यू मैनेज ऑल दिस, कैसे कैसे आप ये रोल्स निभाती हैं एज अ वुमेन, इसके बारे में हमें बताएं। मेन थिंग ये है कि मैं ज्यादा सोचती नहीं हूँ, जैसे आपने कहा था ना ये ड्रामा ये वो उसका, तो मैंने कहा अरे देखूं क्या किस क्या क्या ड्रामे कर रहे हैं, मैंने क्या लिखा है, मैंने कहा छोड़ो, तो यहाँ आके यही करूंगी। पर ये नहीं है कि आई टेक इट इजी, आई डोंट टेक इट इजी, बट आई डोंट थिंक सो मच, अरे बापरे अभी ये क्लास है, अरे नो एंजॉय, यू हैव अ क्लास, यू आर लकी यू हैव वर्क, पीपल डोंट हैव वर्क, यू नो, तो उस टाइम प्लान करके फिर छोड़ दो, फिर उस क्लास में 100% दो। और जैसे कुकिंग कर रहे हैं, लव कुकिंग एंड फीडिंग माय फैमिली, दे गेट सो फेड अप समटाइम्स बट दे लव इट, तो उसमें भी 100% डालो, तो हर चीज में अपना 100% डालो, पर उसको अपने ऊपर हावी मत होने दो, कोई भी सिचुएशन को, कोई भी चीज को अपने ऊपर हावी ना हो कि यही सोचते रहे अरे बापरे इसके बाद क्या होगा उसके बाद, बिकॉज यू स्पॉइल इट, यू स्पॉइल द फन। So prepare well and leave it. अब जैसे आज ही जब मैं डांस करूंगी, मैंने 2 नए पीसेस जो कि अभी क्रिएट ही करे हैं, अब म्यूजिक भी पूरी तरह सच मानो तो ठीक से याद नहीं, पर आई विल डू इट बिकॉज आई वॉन्ट टू डू समथिंग गुरु गोविंद, आई वॉन्ट, सो दैट म्यूजिक इज मैचिंग, वो एक्चुअली झांसी के रानी का है वुमेन वाला पद, वो द्रौपदी आई वॉन्ट टू डू, तो रफ रिकॉर्डिंग मेरे म्यूजिशियंस ने करा है, तो वो उस पर करूंगी, पर वैसे कहने को रफ है बट इट्स नॉट रियली, इट्स ब्यूटिफुल। So, एक हरिहरन का है, भगवान सब अच्छा रखे तो ये सब दिखाना चाह रही हूँ, मोहे अपने ही रंग में रंग दे, है ना। फिर क्या है, एक तराना है गुरुजी वाला जन सन मोहिनी में, है ना, वो भी प्लान किया है मैंने। सारंग आफ्टरनून राग का एक है, क्योंकि मैंने देखा है कि आप लोग काफी लंबे लंबे आइटम्स चलते हैं, नहीं तो हम लोग आजकल इतना लंबा लंबा करते नहीं है, खुला डांस करते हैं विद म्यूजिशियंस उपज, पर जैसे तो सारंग अभी मेरी गुरु बहन ने, चुमकी सरकार ने मेरी रिकॉर्डिंग मेरे किसी ने ले ली थी, तो वो मेरे पास नहीं है, तो उसने ठीक करके दिया, इस बहाने मैंने उसको दे भी दिया, तो एंड देन वी डू शेयर, कोविड हैज टॉट अस, तो उसने थोड़ा ठीक करके स्टूडियो से भेजा है एंड इट्स क्वाइट प्लेइंग वेल, तो वो मैं करूँगी। और आई वॉन्ट टू डू दैट, उसके बाद टाइम होगा तो और, बट बहुत ज्यादा भी नहीं, कि बस यू ऑल शुड एंजॉय। और थोड़ा अभी अभी रिसेंटली एक हमारे चित्रा जी हैं, हाँ वो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, तो पिताजी ने मिलवाया, उनसे मिलवाया मतलब ऐसे ही मिलवाया, अब आजकल मिलवाना तो होता नहीं, तो उन्होंने कहा कि रायगढ़ के कुछ थोड़े टुकड़े
पे अपना सेट करो, तो उन्होंने वीडियोस भेजे थे दूसरी, तो उसके मैंने चार एक प्रिपेयर करे हैं. आई डोंट नो इफ आई विल बी एबल टू डू ऑल दैट, बट जो भी हो ना, इट्स अ लर्निंग प्रोसेस. इट इज ब्यूटिफुल. आई मीन आई वुडंट चेंज माई लाइफ फॉर एनी थिंग, एंड आई डोंट वॉन्ट टू बी बॉर्न अगेन. इसी जन्म में सारा मजा जिंदगी का लेंगे एंड बस, और नहीं पैदा होना. और मेरे हस्बैंड को आई एम वेरी ग्रेटफुल, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, सब हम लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं और इतनी आवाज होती रहती है मेरा बेटा तो, पर बिकॉज माय मॉर्निंग क्लासेस इन द स्कूल एंड देन यू नो इवनिंग एवरी डे ऑलमोस्ट आई हैव इधर अ रिहर्सल और द रेपेट्री, और यू नो रेगुलर होता है रेपेट्री का और क्लास का, तो आई मैनेज एंड अदर्स हैव टू मैनेज आई थिंक रादर देन मी. मैं तो मैनेज कर ही रही हूँ, दूसरे लोगों का शुक्रिया जो मुझे झेल रहे हैं. क्या बात है, बहुत अच्छा जी. ये जो हमारी मास्टर्स वगैरह, हमारी प्रिंसिपल स्कूल की, वो लोग भी बहुत कोऑपरेटिव हैं सारे, मतलब क्या बताएं हम, सारे स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स, सबको भगवान खुश रखे, सारे रेपर्टरी मेंबर्स. क्या बात, बहुत अच्छा. आपने बात कही कि ज्यादा सोचती नहीं है, और मुझे लगता है एक कलाकार के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप कैलकुलेटिव होने लग जाएंगे और ज्यादा सोचने लग जाएंगे तो एक कलाकार एक ट्रू आर्टिस्ट नहीं बन सकता. कलाकार अपने अकॉर्डिंग, अपने मन के अकॉर्डिंग, अपने कला के साथ उस फ्लो में रहना ही पड़ता है और रहना चाहिए, और तभी वो कला है उसके अंदर समा पाती है और वो उस कला को सीख पाता है. और मैं अपने आखिरी एक प्रश्न पे जा रही हूँ और ये पूछना चाहूंगी कि व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स इन कथक एज अ टीचर, एज अ परफॉर्मर? कोई अगर आपके फ्यूचर प्लान्स हैं तो वो हमें जरूर बताएं. फ्यूचर प्लान्स तो भगवान ही करता है, एंड आई एम वेरी श्योर कि मैं चैंटिंग भी करती हूँ नमः हरेंगे के, और सब भगवानों को बहुत मानती हूँ, कृष्ण, शिव, गुरु जी, गुरु नानक जी के पास तो कई बार गए हम लोग स्कूल के थ्रू भी वैसे भी, और कॉन्वेंट में तो पढ़ी ही हूँ मैं, और बॉर्न तो हिंदू हुई, एंड जो भी, एंड फ्यूचर में ये है कि मैं चाहती हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स बहुत अच्छा करें और मेरी रेपिटरी भी बहुत अच्छा करें, और मैं हमेशा जुड़ी रहूँ उनसे, कोई मुझसे रूठे ना, और मेरी फैमिली भी मेरे को प्यार करे और मतलब मुझे मिसअंडरस्टैंड ना करे, मेरे कोई भी, मतलब मैं वाकई यही चाहती हूँ. पर आर्टिस्ट को क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि वो तो एकदम मस्त रहता है अपने मगन में, ऐसा नहीं है. जैसे आपने बोला, आर्टिस्ट प्रैक्टिकल भी होता है, कैलकुलेटिव, एंड क्वाइट फ्रैंकली आई डोंट मीन टू शो ऑफ, पर ह्यूमन बीइंग और भगवान के बीच ही होता है कलाकार, जो कि थोड़ा डिफरेंट है, एंड उनको समझना, उनके साथ रहना बहुत बहुत मुश्किल है, वही एक कार्य है उनसे निभाना रिश्ता. और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, पर दूसरे लोगों को पूरा क्रेडिट देती हूँ कि वो पूरा कोशिश कर रहे हैं और मेरे साथ हैं, और आप लोगों ने भी मेरा सुना, मेरी बातें. और जिसका कोई प्लानिंग नहीं है कुछ, बस वो नेचुरल है कि जो है, कुछ गाना आप बोल रहे थे तो मैं 2 मिनट कौन सा गाऊं जो बताओ जल्दी से, कोई जो दिल करे, जो दिल करे, कृष्ण और शिव का है, अप्पा जी ने सिखाया था. बंसी धर पिनाक धर गिरिवर धर गंगा धर, बंसी धर पिनाक धर गिरिवर धर गंगा धर, माथे दिए चंद्र माथे दिए चंद्र गौरा हर हर, बंसी धर पिनाक धर गिरिवर धर गंगा धर, शुद्ध धार बैगी धार धरणी धर शशि धार, शुद्ध धार बैगी धार धरनी धर शशि धार, गोपी धर डमरु धर गिरिवर हर शिव शंकर, बंसी धर पिनाक धर गिरिवर धर गंगा धर गंगा धर गंगा धर.
क्या बात है, वाह जी वाह, बहुत खूब जी, बहुत अच्छे जी, बहुत बहुत थैंक यू जी मैडम जी, आपका बहुत अच्छी बातचीत रही आज की, और हम लोगों ने बहुत प्यार से आपका जो बातचीत सुनी है बहुत अच्छा लगा। और आपने पूछा था कि गाना कौन सा गाऊं, तुम जो दिल करे, मैंने कहा था इसलिए मन की बात सुन सुन के लोग अक गए हैं, जो आपका दिल करे वो करो तो इसलिए लोग अभी मन की बात नहीं सुनना चाहते, लोग चाहते हैं कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे कुछ ना कुछ नया आए। नहीं तो एक गुरबानी का शब्द है, जलते थल कर थलते कुआं, कूपते मेर करावे, धरती ते आकाश चढ़ावे, चढ़े आकाश गिरावे, भिखारी ते राज करावे, राजा ते भिखारी। तो आज हम जितने भी लोग हैं, तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जो काम इस वक्त हमारे देश का है वो है हमारे जो किसान भाई हैं वो बड़ी दिक्कत में हैं, बड़ी मुश्किल में हैं। तो हमारे जो देश के बड़े बड़े लीडर हैं, जो एसीओ में सोने वाले हैं, बड़े बड़े जगह पे सोने वाले हैं, वो थोड़ा जाग जाएं। कुंभकर्णी नींद बहुत हो गई है, 6-7 साल हो गए ये कुंभकर्ण की नींद। तो ये जो देश है हमारा, ये अंडानी और अंबानी का नहीं है। हमारे आर्टिस्टों, जय जवान जय किसान, अभी डॉक्टर साहब ने लिखा था, डॉक्टर अलंकार सिंह जी ने, कि जय आर्टिस्ट। तो सच्ची बात है कि जितना पिछले 8-9 महीनों में आर्टिस्टों ने काम किया है, तो डॉक्टरों ने भी बहुत बड़ा काम किया है। जो डॉक्टर हैं फ्रंट पे आके उन्होंने ऐसा काम किया है। तो जो हमारे आर्टिस्ट हैं, क्योंकि मैं इसलिए कहना चाहूंगा कि जब से हमने लाइव सीजन शुरू किया, तो आई थिंक दिसंबर 30 तक हम 1000 आर्टिस्ट पूरा करने वाले हैं। तो भगवान की कृपा है कि इतने 8-9 महीने में 1000 आर्टिस्ट सेवा कर चुके हैं। एक्सेलेंट। तो हमें जी, तो हम लोग चाहेंगे कि जहां जय जवान जय किसान का नारा चलता है, तो वहां पे जय आर्टिस्ट का भी चलना चाहिए। बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए हम सबको, अगर हमारे ये किसान भाई सुखी रहेंगे, तो पूरा देश, पूरी दुनिया सुखी रहेगी। क्योंकि हम लोग जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, हम लोग मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं। हम लोग जहां मर्जी चले जाएं, अगर हम लोग इस लोग आज हम लोग कनाडा में बैठे हैं, फिक्र इंडिया क्यों का क्यों कर रहे हैं? लोग अमेरिका में बैठे हैं, इंडिया का फिक्र क्यों कर रहे हैं? तो क्या यहाँ पे घर नहीं है? मैं भी बड़े आराम से बैठा हूँ, क्योंकि हमारी मिट्टी है जो उसके साथ हम हमारी अटैचमेंट है उस मिट्टी। हम लोग जितना मर्जी यहाँ कनाडा में रहें, जितनी मर्जी मौज मस्ती कर लें, लेकिन जो दिल है वो वहां पे टिका हुआ है। इसलिए सबको फिक्र रहती है। तो हमारे जो देश के बड़े बड़े नेता हैं, तो वो प्लीज उनको भी रिक्वेस्ट रहती है हमारी। कल ही कोई पूछ रहा था इसी बात पे, मैंने कहा कहते क्या बनेगा, मैंने कहा भी जो बनेगा अच्छा ही बनेगा, भगवान की कृपा रहेगी। अगर हम लोग सच पे टिके हुए, तो जो संगीत है ये सच है, जो हम लोग क्लासिकल म्यूजिक की बात करते हैं वो सच है। तो अगर हम लोग इस सच के साथ जुड़े रहेंगे, बड़ी खुशकिस्मती के साथ हमें ये मिला है, तो हम लोग इसके साथ जुड़ के बहुत अच्छा। हमारे साथ मलिक साहब भी जुड़े हुए, तो मैं चाहूंगा कि एक मिनट के लिए वो भी अपनी हाजिरी लवाएं, तो फिर हम उसके बाद हम लोग ऐसे ही, आप बने रहिए। 5 मिनट की ब्रेक होगी, 5 मिनट की ब्रेक के बाद मैडम सावरी पवार जी आज प्रोग्राम शुरू करेंगी सर्वकाल म्यूजिक सोसाइटी ऑफ कैलगरी के पेज से लाइव होके। तो आप लोग जहां उनकी बातचीत सुनी है, ऐसे ही आप उनका जो डांस परफॉर्मेंस है वो भी जरूर देखिए, ब्लेस कीजिए, ताकि जो उन्होंने एक बात बड़ी प्यारी की है कि आज वो एक ज्वाइंट फैमिली है। तो हमें सबको इस चीज का ख्याल रखना है कि हम इकट्ठे रहेंगे तो बहुत सुखी रहेंगे, अगर हम लोग अलग अलग हो जाएंगे तो फिर उतना ही जो नुकसान हमारा होता है, बेशक वो घर हो, बेशक वो देश हो, बेशक पूरा संसार हो, जब तक हम लोग इकट्ठे हैं बहुत बड़ी ताकत है। तो जी मलिक साहब, हरी से जी बहुत मजा आया, सावरी टू सावरी, दोनों सावरी को नमस्कार। अरे मेरा तो मन ये करता था कि बातें सुनता ही रहूं, बातें सुनता ही रहूं दोनों का। देखो दोनों ये सावरी बड़े भाग्यशाली हैं कि इनका जिस परिवार में जन्म हुआ है दोनों, तो उनका एक इतिहास है, वो लगे हुए हैं, दे आर थिंकर, दे आर यू नो, वो समाज को
समाज को जैसे कहते हैं कि बांध के रखते हैं, यू नो, आपने बहुत अच्छी बात की कि आपने ये भी कहा कि पॉलिटिशियन जो है वो समाज को तोड़ते हैं, क्योंकि उनकी उनकी होंद ये होती है कि हम जितना तोड़ेंगे समाज को उतना ही वो बने रहेंगे, और जो संगीतकार है जो संगीत और कला से जुड़ते हैं वो समाज को सोसाइटी को बांधते हैं, क्योंकि उनका क्या बात है। उनका सुर का जो ताल का अपना सुमेल ही ऐसा है, वो ऐसी लगे हुए हैं। तो असावरी जी ने तो देखो हिंदुस्तान और साउथ अमेरिका, घाना एंड सुरीनाम, ट्रिनिडैड टोबैगो, देन यूरोप में इंग्लैंड, तो इनकी प्रतिभा वो तो उसमें तो बढ़ोतरी होनी होनी है, जिन्होंने इतना इतना बचपन में इतना घूमा और अलग अलग कल्चर का देखने का इनको मौका मिला है। और साउथ अमेरिका में भी हरीशा जी, हमारी हिंदुस्तान की बहुत बड़ी कम्युनिटी जो सदियों से रहती है, और आप भी वहीं रह रहे हैं, और तो इनकी बात सुनकर बड़ा मजा आया, और ये आप भी आज भी काम कर रहे हैं तो क्या कहने, यू नो, हम तो इनकी अब कला भी देखेंगे, तो मजा आ गया इनकी बात सुनकर, और ऐसे करते रहिए करते रहिए, यही है हमने जो समाज है इनको इसको कुछ देकर जाना है, यू नो। और आपने ये को ये कहा कि एक ही जिंदगी में करना है, कोई और जीवन नहीं है। स्वपन चौधरी जी से किसी ने जंदर में बात की थी कि पंडित जी ये तो 2-3 जन्म लगेंगे आप जैसे आप जाते हैं, वो कहता नहीं भैया एक ही जन्म में सब कुछ करना है, कहीं 2-3 जन्म की कोई बात नहीं है, जो करना है इसी जन्म में करना है। तो वही बात साबरी जी ने की है, तो बहुत मजा आया आपकी बात सुनकर, और आप लगे रहे और आपको परमात्मा वाहेगुरु ऐसे और यू नो तरक्की करें जैसे आपका स्वभाव है। और एक बात और मेरी मुझे इनकी इन्होंने कही कि मैं जो भी बात करती हूँ वो सहज में करती हूँ, ये नहीं, मैंने बहुत लोग देखे हैं अपने हरी सिंह जी, वो कहीं जाते हैं ना जो आपको मिलने आएंगे तो उनको 10-12 और भी फिक्र होते हैं, मैंने उसको ही मिलना है, मैंने उसको ही मिलना है, मगर वो ये नहीं जानते कि वो यहाँ गए वहां गए हैं, वहां तो बैठ जाए उनसे तो पहले बात कर ले, वहां तो बात कोई करते नहीं है, तो फिक्र करना है कि मैंने साबरी जी से ही मिलना है, मैंने वहां भी जाना है, तो वो कुछ भी नहीं कर सकते। तो मेरा मेरे भी एक वाकया हुआ, मैं पिछले साल अमृतसर में गया था, तो वहां मुझे एक आर्टिस्ट के घर में मुझे देखने का पहली बार उनको मिला था, तो मैं वो जब वो आर्टिस्ट को मिला तो वो आर्टिस्ट बच्चा जो था ना वो पोलियो का मरीज था, तो मुझे भी नहीं पता, मैं तो पहली बार उनके दर्शन किए, तो मैं उसके साथ लगकर बैठ गया, तो जो मेरे साथी गए हुए थे ना, तो मुझे वो बार बार घड़ी दिखा रहे थे, तो मुझे वो उसने मजा नहीं लेना क्योंकि मैं उसके उस बच्चे के साथ जुड़कर बैठा हुआ था। तो फिर एनीवे, तो जब हम चले तो मैं उसको रास्ते में बताया, मैंने कहा यार मुझे डिस्टर्बेंस हो गई, कहते क्या बात होगी, मैंने कहा मैं ना तो वहां बैठ सका ना मैं यहाँ आ सका, मैं कहा हमने आना क्यों था, अगर हम वहाँ हमारे को जो समय की जो हमें सीमा है तो हमने क्या करने आना था, मैं कहा मैं तो जिंदगी में जो भी करता हूँ जहाँ जाता हूँ वहां का होकर रह जाता हूँ, मैं 2-10 बात नहीं करते। तो साबरी जी आपने उसकी प्रेरणा की है, मुझे बहुत मजा आया, तो भगवान आपको और भी खुशियां दे। और अब आप इंग्लैंड में रहते हैं या कहाँ रहते हैं? नहीं, अभी तो मैं दिल्ली में रहती हूँ विद माय फैमिली। इंग्लैंड में मेरे पेरेंट्स रहते हैं, मेरे फादर, मेरे भैया, भाभी, नीस, वो लोग इंग्लैंड में, तो मैं जाती रहती हूँ वहाँ पे, हर 2 साल तो मैं जाती हूँ, प्रोग्राम्स करती हूँ, मैं वहाँ की भी हूँ यहाँ का भी हूँ। इंग्लैंड में आप ज्यादातर कौन सी जगह पे रहे? हमारे फादर का घर है ऑस्टेली में, ऑस्टेली इज नियर द एयरपोर्ट, हांस्लो के पास है। एयरपोर्ट, क्योंकि वो लोग काफी ट्रैवल करते हैं पिताजी, तो यहाँ भी दिल्ली में जो घर है पिताजी का वो भी एयरपोर्ट के पास है, वसंत कुंज में। एयरपोर्ट इज वेरी इम्पोर्टेंट, नॉट नाउडेज तो बेचारे इंडिया में नहीं आ पाए, काफी दुखे हैं। साबरी जी, मैं भी 1960s में इंग्लैंड में रहा हूँ और 9 साल रहने का मौका मिला इंग्लैंड में रहने का, बिटवीन साउथ हॉल एंड बर्मिंघम। अच्छा, हाँ जी, डिफरेंट डेज, एनीवे बड़ा मजा आया। हाँ जी हरीश सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत अच्छी गलबात रही, ते साडा अज दा जिहड़ा प्रोग्राम है असीं इत्थे समाप्त करांगे। असावरी जी, अगर कोई गलबात चाहुंदे हो, कोई मैसेज ते गल कर सकदे जी। बस सपोर्ट आर्टिस्ट, बस यही, मैं तो यही, सॉरी आई डिडंट नो, कंफ्यूजन अबाउट द असावरीज, सपोर्ट आर्टिस्ट और सबको काम मिले, पैसा मिले,
और सब जी लोग एक और भी कोई प्रोफेशन लें ताकि रोजी रोटी चलती रहे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। 5 मिनट लगेंगे, 5 मिनट के बाद मैडम दोबारा से सर्वकाल म्यूजिक स्टूडियो कैलगरी के पेज से लाइव होंगे। तो जैसे आपने बातचीत सुनी है, प्यार दिया अपना, बहुत सारे आर्टिस्टों ने अपना प्यार दिया, क्योंकि इस प्रोग्राम के साथ मोस्टली हमारे जो आर्टिस्ट ही जुड़ते हैं, तो ये अच्छी बात है कि वो इस प्रोग्राम को आशीर्वाद दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मिशा शर्मा जी, वो भी बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, इंग्लैंड से कुछ सज्जन जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जितने भी आज आप संगीत प्रेमी, संगीत हमारी सर्वकाल की संगीत परिवार है, तो जितने भी आप लोग आए हो, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो 5 मिनट दीजिए, 5 मिनट के बाद मैडम फिर शुरू करेंगी। मैडम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तो मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, थैंक यू।